तो आइए स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस लॉस। लास्ट क्लास में मैंने स्टूडेंट्स आपको अपने ट्री फॉर्मेशन के बारे में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर, जो जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक ऑफर या प्रपोजल एक कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले लेता है। जैसा कि आप इस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने चालू किया था, कॉन्ट्रैक्ट is an agreement which is legally enforceable or enforceable by law भी बोलते थे हम उसको। फिर हमने ट्री के नीचे से स्टार्ट करना, ट्री बनाना चालू किया था। हमने कहा था ऑफर, जिसे कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल भी बोला गया है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस रिजल्ट्स इनटू प्रॉमिस। प्रॉमिस के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्चुअली टू सेट ऑफ प्रॉमिसेस आर बीइंग मेड टुगेदर। देखिए, एक्स, वापस याद कीजिए, एक्स और वाई ने आपस में घर बेचने और खरीदने की बात की थी 50 लाख रुपए में। तो एक्स ने वाई को जो घर देने का वादा किया, दैट वॉज अ प्रॉमिस, फर्स्ट प्रॉमिस, प्रॉमिस नंबर वन फ्रॉम एक्सिस साइड टू वाई, एंड जो 50 लाख रुपए देने का वादा हुआ फ्रॉम वाई टू एक्स, दिस इज प्रॉमिस नंबर टू। तो याद आया आपको, इट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस, टू प्रॉमिसेस। और जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट मिल जाता है, कंसिडरेशन का क्या मतलब बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको, बच्चों याद कीजिए, मनी, विटामिन एम, मनी और मनी इक्वलेंट कोई चीज, और लैटिन भाषा में उसे क्या बोलते थे, क्विड प्रो क्यू, यानी कि समथिंग बैक इन रिटर्न। तो अब जब एक्स ने वाई को अपना घर देने की बात की, तो उसे समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? यस, समथिंग इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए। और वाई ने एक्स को कुछ देने का प्रॉमिस किया, तो उसे बदले में कुछ मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, 50 लाख रुपए देने के वादे के बदले में घर मिलना चाहिए। सो बोथ द पार्टीज आर गेटिंग सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग इन रिटर्न, मनी और मनी इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन द प्रमाइस क्विड प्रो क्यू। तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो वो प्रॉमिस एक्चुअली टू सेट ऑफ प्रॉमिसेस बनते हैं। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, बोलिए, यस, इट बिकम्स अग्रीमेंट। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, व्हेन एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। So, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट होते ही हैं बेटा, ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। एंड विच इज ब्रॉडर, द टर्म एग्रीमेंट और द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म एग्रीमेंट इज ब्रॉडर इन सेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली नथिंग बट अ सबसेट ऑफ अग्रीमेंट, क्योंकि हर अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता है। तो जो अग्रीमेंट्स लॉ में, कोर्ट में जाके एनफोर्स कराए जा सकते हैं, यदि किसी पार्टी ने धोखा दे दिया आपको, अपना एग्रीमेंट के अंडर जो अपने ऑब्लिगेशंस थे वो पूरे नहीं कर रहा है, तो फिर अब आप कहाँ जाएंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाएंगे बेटा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने ट्री का जो लेफ्ट हैंड साइड था वो तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा अपन ट्री के राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं, विच इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। देखिए, अब मैं यदि आपसे लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाले ट्री के राइट हैंड साइड की पार्ट की बात करता हूं, यदि, तो इसमें 5 पार्ट्स मेजरली दिए गए हैं। हर एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होता है यदि, इफ इट इज मेड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें मर्डर करने जैसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं अभी देखेंगे।
if it is made with lawful consideration, if it is made with free consent, जबरदस्ती सामने वाली पार्टी की consent नहीं लेनी है बेटा, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, जो कि competent to contract हैं, यानी कि minor etc. क्या क्या points हैं, सही दिमाग वाले लोग होने चाहिए, साउंड माइंड के लोग होने चाहिए, lunatic नहीं, पागल नहीं होने चाहिए, एंड द एग्रीमेंट्स नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. तो ये पांच सिचुएशंस तो हमने देख ली, टोटल 10 या 11 सिचुएशंस हैं जहां पर एन एग्रीमेंट इज, एवरी एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दीज कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड. तो ये मेजरली मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर की गई है. अब ऑल, आइए मेरे साथ में पढ़ना चालू कीजिए, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सही कब होगा, वैलिड कब होगा, हम वो वाली चीजें पढ़ रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, लेट्स स्टडी दैट. उनमें से 10 या 11 में से 5 तो यही आ गए हैं, lawful object, lawful consideration, free consent of the parties who are competent to contract and agreement not specifically declared as void. Baki ke 5 ya 6 conditions kya hai, aiye let's start studying them. Aiye, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties, competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो ये पांचों पॉइंट में कहां से लाया, ये सेक्शन 10 यही है, इसी में से लाया मैं. तो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यदि लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पॉइंट जो है वो कवर होता है. और देखिए इनके अलावा क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए सबसे पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. अच्छा इसको यदि मैं बोलूं देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, क्या आप खुद से ही अग्रीमेंट कर सकते हैं बेटा? नहीं, आपको अग्रीमेंट किसी और के साथ में करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट. देखिए आदमी खुद के साथ में या बंदा खुद के साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता. सो To constitute a contract, there must be an agreement between two parties. तो इसमें दो बातें, there must be an agreement number one and there must be at least two parties to make that agreement. That is एक पार्टी जो ऑफर देगी और दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी. तो X ने Y को यदि ऑफर दिया है तो X तो हो जाएगा offerer. देखिए यहां लिखा भी है जो ऑफर देने वाली पार्टी है दैट इज नोन एज ऑफरर, और जो दूसरी पार्टी जिसे ऑफर दिया जाता है वो कहलाती है ऑफरी, ऑफरर एंड ऑफरी. देखिए वाई को जिसे ऑफर दिया है एक्स ने, वाई चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, वाई चाहे उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे. नहीं भैया एक्स, मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया, मैं अपनी चीज नहीं बेचूंगा या आपसे ये चीज नहीं खरीदूंगा. ठीक है बेटा, तो अब एक्स ने वाई को ऑफर दिया, वाई चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, वाई चाहे तो उस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है. ऑफर देने वाला कौन कहलाएगा बेटा? ऑफरर. और जिसे ऑफर दिया गया है वो कौन कहलाएगा? ऑफरी. ऑफरी ने यदि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर. यदि नहीं किया है तो हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे ही नहीं. सो टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन नंबर वन एग्रीमेंट एंड बिटवीन टू पार्टीज. सो वन पार्टी cannot constitute a contract with itself, it has to constitute the contract with another party.
नंबर वन पॉइंट, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट हमने खत्म कर लिया। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखिए यहां पर क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं लाइक बिजनेस एग्रीमेंट्स या कमर्शियल एग्रीमेंट्स, जिनमें देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रिज्यूम कर लिया जाता है बेटा, मान लिया जाता है, जबकि डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स में ये कभी नहीं माना जाता है, प्रिज्यूम आप पहले अपने आप से प्रिज्यूम नहीं किया जाता है देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, व्हेन टू पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दस अग्रीमेंट ऑफ प्योरली डोमेस्टिक और सोशल और रिलीजियस और मॉरल नेचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे जहां पर एक बंदे एक्स ने अपने फ्रेंड वाई को खाने पे के लिए ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट भी किया था, और उसके बाद में वाई भाई साहब डिड नॉट केम खाने के लिए, डिनर करने के लिए नहीं आए थे, तो उसके बाद में बट सिंस देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, इस वजह से केस तो कर नहीं सकते अब। ठीक है, सो देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए जल्दी से, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट विल बी बिटवीन टू पार्टीज, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, केस लॉ के थ्रू समझाया गया है, बालफोर वर्सेस बालफोर। देखिए हमारे यहां पर इंडिया में लॉ से तो हम लोग गाइड होते ही हैं, लेकिन इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो हमारे कोर्ट्स ने जो केसेस डिसाइड किए हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उन्हें भी नजीर माना जाता है वैसी सिमिलर सिचुएशंस के लिए। ठीक है, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बना हुआ अंग्रेजों के जमाने का है, सो वी आर largely guided by English cases as well। नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये English case है, India में ऐसे नाम नहीं मिलेंगे आपको, Balfour versus Balfour। So a husband, इस केस में क्या हुआ था, there was a husband and there was his wife, a husband promised to pay his wife a household allowance of rupees 5000 every month, हर महीने 5000 रुपए का एक हाउस होल्ड अलाउंस देने की बात की गई थी। बाद में द पार्टी सेपरेटेड एंड हस्बैंड फेल्ड टू पे द अमाउंट। वाइफ ने क्या किया भैया, केस कर दिया। स्यू का मतलब क्या होता है, केस कर दिया फॉर द अलाउंस ऑन हस्बैंड। इट वॉज हेल्ड दैट सच एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्यों, बिकॉज दीज आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स एंड देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, that's why it would not fall into the category of a contract। तो पहला point, there should be an agreement between the two parties, second point, there must be an intention to create legal relationship। आइए students, so अब हम हमारे third point की तरफ बढ़ते हैं, which is लॉफुल कंसिडरेशन। ट्री का राइट हैंड साइड याद आ रहा है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए कंसिडरेशन का मतलब अपन पहले ही समझ चुके हैं, क्या है कंसिडरेशन का मतलब, दैट
बोथ द पार्टीज मस्ट रिसीव समथिंग इन रिटर्न ऑफ दे गिविंग समथिंग टू द अदर पर्सन, यानी कि सामने वाले को कुछ देते हैं तो बदले में हमें भी कुछ समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, हमें भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, हमारे उसके लिए कुछ करने के बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आइए, तो अब केवल कंसिडरेशन का एलिमेंट ही नहीं बल्कि अपितु लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ये भी हमें ध्यान है। इट कैन बी इन कैश और इन काइंड, जरूरी नहीं है घर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने घर खरीदा और बदले में 50 लाख रुपए दिए। एक्स वाई को अपनी कार दे सकता है और बदले में उससे दूसरा व्हीकल ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल जीप ले सकता है, लोगों में बार्टर भी होता है, तो बदले में कैश या काइंड कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अब कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली हम तब डिस्कस करेंगे जब हम कंसिडरेशन का अलग से पूरा चैप्टर करेंगे आप लोगों के साथ में। हाउएवर कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल कंसिडरेशन, रियल एंड लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं लॉफुल कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन देना तो जरूरी होता ही है, इट मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड। कैसे? एक्स जो एक आदमी है, ही इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या काम होता है बेटा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो किसी बंदे को नौकरी पे रखने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से लेके इंटरव्यू कंडक्ट कराने से लेके सारा काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के प्रति सारा काम देखते हैं। तो एक्स इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वाई ने एक्स को एक ऑफर दिया कि आप मुझे सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए और मैं बदले में आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। तो भैया, कंसिडरेशन तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को दे रही हैं, एक्स वाई को नौकरी दे रहा है, वाई एक्स को 5 लाख रुपए दे रहा है। बट दिस कंसिडरेशन, इजंट इट इनटू द नेचर ऑफ ब्राइब? क्या ये ब्राइब के नेचर में नहीं है? दिस कंसिडरेशन इज दस नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। और ये क्या पॉइंट है? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। राम और श्याम आपस में दोस्त हैं। राम ने श्याम को बोला, श्याम बाबू, आप मेरे लिए यदि कुछ काम कर देते हैं, ये फलाना काम कर देते हैं, तो मैं आपके लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाकर दूंगा एज अ कंसिडरेशन। क्या ऐसा करना सही में पॉसिबल है? नहीं। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी इन नेचर। इन दोनों चीजों का मतलब समझ में आया लॉफुल कंसिडरेशन का? ठीक है, तो अभी तक हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट क्या था? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। सेकेंड पॉइंट क्या था? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट क्या था? नॉट ओनली देयर मस्ट बी एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन बट इट शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। आइए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट या कंपिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया, एक्स और वाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो दोनों ही पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट का मतलब है दोनों ही पार्टीज एक तो मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली होनी चाहिए। ये मेजॉरिटी की एज कितनी एज होती है? आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 18 ईयर्स। देखिए, यहां मैं आपका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहता हूं, कुछ मामलों में मेजॉरिटी की एज 18 ईयर्स होती है, कुछ मामलों में मेजॉरिटी की एज
21 ईयर्स भी मानी जाती है, उससे पहले नहीं मानी जा सकती। ये सब कहाँ पर डिफाइन किया गया है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में। आ गया एक और लॉ का रेफरेंस। सो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में ये सब चीजें डिफाइन की गई हैं। तो कुछ तरीके की चीजों के लिए मेजॉरिटी की एज को 18 इयर्स माना गया है, कुछ तरीके की चीजों के लिए मेजॉरिटी की एज को 21 इयर्स माना गया है। सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज मस्ट बी केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो बंदा, एवरी पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही और शी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही और शी इज नंबर वन इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। ये सब एंड है बेटा, यानी कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर टू, ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, सोच के देखिए। ये मत बोल देना सर जो अनसाउंड माइंड का नहीं हो। तो अनसाउंड माइंड का कौन होता है? ठीक है, देखिए साउंड माइंड का कौन होता है, आइए समझने की कोशिश कीजिए। जो कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इट्स टर्म्स एंड उन टर्म्स का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये वो भी अपने हितों पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको भली बाती समझ सके। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ मेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हिज ओन इंटरेस्ट। बात समझ में आई बेटा? सो नंबर वन, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ, यदि वो मेजोरिटी की एज अटेन किया हुआ हो। नंबर टू, यदि वो साउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए। बाकी समय वो अनसाउंड माइंड का हो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने टेम्पररीली अनसाउंड माइंड, यदि उसने शराब पी हुई हो, लिकर कंज्यूम किया हुआ हो, ही इज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड। शराब पी हुए के दौरान यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, सो ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बिकॉज वो अपने आप समझ नहीं पाएगा उसका इम्प्लीकेशंस अपने हितों पर, अपने हितों पर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को समझ नहीं पाएगा। इसलिए सो नंबर वन, ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। नंबर टू, ही इज ऑफ साउंड माइंड। एंड नंबर थ्री, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। यानी कि वो उसके ऊपर यदि कोई लॉ लग रहा है जो उसे पर्टिकुलर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने से मना कर रहा हो, तो उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स उसे नहीं बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बंदा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, तो और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अब उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने को के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। आया समझ में? बाकी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है वो, जैसे कि नौकरी करने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पूरे चैप्टर में आपको दिखाऊंगा।